केंद्र सरकार जहां नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गांधी परिवार पर शिकंजा कसा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेताओं ने देश भर में महंगाई और जीएसटी को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ग्वालियर में भी कांग्रेसी नेताओं ने फूलबाग चौराहे से शास्त्री चौराहे तक पदयात्रा निकाली। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने गिरफ्तारी की। वहीं पदयात्रा और गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फूलबाग से लेके पड़ाव तक एक कांग्रेस पार्टी और उनके जो नेता हैं उनके द्वारा एक पैदल मार्च निकाला गया है। तो फूलबाग से पड़ाव के है महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर था। उसके संबंध में अभी ये ओपन जेल बनाई गई है, यहाँ पे इन्होंने गिरफ्तारी दी है। यही पूरा मामला की जो कार्रवाई चल रही है और उसके खिलाफ पूरे देश में ये आह्वान था कांग्रेस का, सारे जिलों में इसी तरह पदयात्रा निकाली गई है।